परियों का जादुई क्लास। बहुत समय पहले की बात है, पृथ्वी से मीलों दूर परियों की खूबसूरत दुनिया थी, जिसे परीलोक कहा जाता था। लेकिन इस परीलोक का नियम बहुत ही सख्त था। यहाँ सभी परियों को जादुई शक्ति प्राप्त करने के लिए उच्च शिक्षा लेनी होती थी, और जो परी सबसे तेज और बुद्धिमान होती उसे ही आगे रानी बनने का मौका दिया जाता था, और जो परियां पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती थी उसे आम इंसानों की तरह बिना किसी जादू के जिंदगी गुजारनी पड़ती थी। उसी परीलोक में आयशा नाम की एक परी रहती थी। आयशा बचपन से ही बहुत ही विनम्र और दयालु परी थी, इसीलिए रानी परी आयशा परी को बहुत ही पसंद करती थी। आयशा, मैं जरा परियों की मीटिंग में जा रही हूँ, तब तक तुम कुसुम परी के साथ बूढ़ी परी माँ के घर जाकर उनके घर के कामों में हाथ बटा देना। जी रानी परी, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं बूढ़ी परी माँ का अच्छे से ध्यान रखूंगी। आयशा परी कुसुम परी को बूढ़ी परी के घर जाने के लिए बोलती है। अपने आप को आखिर समझते क्या हो? नौकरानी हो तो नौकरानी की तरह रहा करो। और हाँ, मेरी माँ ने तुम्हें बोला है ना बूढ़ी परी की सेवा करने को, तो तुम जाकर उनकी सेवा करो। मैं रानी परी की बेटी हूँ और भविष्य में इस परीलोक की होने वाली रानी परी भी हूँ, समझ गई? अब जाओ यहाँ से। देखो कुसुम, ये बात तुम्हें भी अच्छे से पता है, रानी परी बनने के लिए परियों को परोपकारी और दयालु बनकर बाकी परियों और लोगों की मदद करनी होती है। मूर्ख लड़की, तुम शायद भूल रही हो, इस परीलोक का नियम कुछ अलग है। यहाँ दयालुता नहीं बल्कि परियों की स्कूल की परीक्षाएं पास करनी होती है। तुम्हें भला कैसे पता होगा, आखिर तुम हमारे परीलोक की नौकरानी की बेटी जो हो। अब जाओ, जाओ यहाँ से। आयशा बहुत ही समझदार परी थी। वह कुसुम परी की बातों का बिना कोई जवाब दिए वहाँ से बूढ़ी परी के घर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रानी परी सभी युवा परियों को अपने पास बुलाती है। देखो परियों, आप लोगों ने अब तक खूब सारी मस्ती और उछल कूद कर लिया है, अब आप युवा हो चुकी हैं, तो इस परीलोक के नियम के अनुसार आप सभी परियों को परीलोक के स्कूल में अच्छे से पढ़ाई कर अपने अच्छे और गुणी होने का परिचय देना होगा, तभी आपको परियों का खास जादुई ताज और जादुई छड़ी दी जाएगी। यह सुनकर सभी परियां बहुत ही खुश होती है और सभी परियां परियों के क्लास में पढ़ने के लिए चली जाती है। आयशा परी भी जादुई परियों के क्लास में पढ़ने के लिए जाती है। ए नौकरानी, तू यहाँ नहीं बैठेगी, तू जा और जाकर सबसे पीछे बैठ, समझी? पता नहीं माँ भी ना, क्या जरूरत थी इस गरीब नौकरानी परी को स्कूल में भेजने की। तभी क्लास में टीचर आ जाती है। परियों के स्कूल में आज आप सबका पहला दिन है, इसलिए हम आपको कुछ सिखाने से पहले आप लोगों के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। कुसुम परी, चलो तुम बताओ, अगर तुम्हें जादुई छड़ी मिल जाए तो तुम सबसे पहले उससे क्या करोगी? टीचर, मैं तो जादुई छड़ी से अपने लिए जादुई गाउन, मेकअप और जादुई बहुत सारी चीजें मांगूंगी, जिससे मैं और भी खूबसूरत लगने लगूं। ठीक है, तुम बताओ तुम क्या करोगी? मैं तो अपने लिए जादुई लिपस्टिक मांगूंगी। जी टीचर, मैं अपने लिए अच्छे अच्छे पकवान मांगूंगी। तुम बताओ आयशा, तुम क्या करोगी? टीचर, जहाँ तक मुझे पता है, परियों को भगवान ने दूसरों की मदद करने के लिए बनाया है, और हमें जादुई शक्तियाँ भी एक दूसरे की मदद करने के लिए ही दी गई है, तो हमें अपने जादुई शक्तियों से लोगों की मदद करनी चाहिए, और मैं वही करूँगी। अरे वाह आयशा, बहुत ही अच्छे ख्याल हैं तुम्हारे, मुझे लगता है तुम मेरी क्लास की सबसे खास स्टूडेंट होने वाली हो। चलो परियों, आज की क्लास यही खत्म होती है, कल से सभी परियों को समय से स्कूल आना है, कल मैं आप सभी को हवा में उड़ने वाला जादू सिखाऊंगी। यह सुनकर सभी परियां बहुत ही खुश हो जाती है। टीचर के चले जाने के बाद बाकी की कुछ परियां आयशा के पास जाकर उससे बातें करने लगती है। यह देखकर कुसुम परी को बहुत ही गुस्सा आता है। कुसुम को गुस्से में देखकर रागनी परी बोलती है। क्या बात है कुसुम, आज पहले ही दिन तुम्हारी बहन ने तो टीचर परी का दिल जीत लिया।
खबरदार जो इस नौकरानी की बच्ची को मेरी बहन कहा तो। भले ही इसे मेरी माँ ने पाला है, लेकिन ये है तो आखिर नौकरानी ही ना। और ये डायलॉग बाजी करने से कोई परीक्षा पास नहीं कर लेता, उसके लिए कठिन अभ्यास करनी पड़ती है। हाँ वो तो है, लेकिन आयशा हम परियों में सबसे ज्यादा मेहनती है, ये बात तो सभी को पता है। तू आयशा से मुकाबला नहीं कर सकती। इस आयशा की बच्ची ने तो मेरा जीना हराम करके रखा है। घर में माँ की चहेती बनकर बैठी है और यहाँ टीचर के लिए खास बन गई है। अगर ये नौकरानी की बच्ची इस परीक्षा को पास कर जाती है, फिर तो माँ की नजरों में मैं और भी ज्यादा गिर जाऊंगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, मुझे कुछ न कुछ करना पड़ेगा। एक तरकीब है, मैंने सुना है गायत्री मैम टाइम टेबल की बहुत ही पक्की है। अगर थोड़ी भी लेट हो जाए फिर मैम क्लास में आने नहीं देती और पूरे एक हफ्ते की छुट्टी दे देती है। सोचो, अगर एक हफ्ते तक आयशा परी स्कूल ही नहीं आएगी तो वो हम सबसे ज्यादा कैसे सीख पाएगी। फिर तो पक्का उसे आम लोगों की तरह बिना जादू के ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं, बहुत बढ़िया प्लान है। और फिर कुसुम और रागनी साथ मिलकर प्लान बना लेती है। अगले दिन जब आयशा परी स्कूल जा रही होती है, तभी कुसुम परी आयशा परी से कहती है, अरे वाह आयशा, आज तो तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो। अच्छा सुनो, आज तुम मेरे साथ स्कूल चलो, हम दोनों बातें करते करते स्कूल चलते हैं। अरे नहीं नहीं कुसुम, तुम गायत्री मैम को नहीं जानती हो, वो टाइम टेबल की बहुत ही पक्की है। अगर हम 5 मिनट भी लेट हो गए तो मैम हमें पूरे एक हफ्ते तक क्लास के अंदर जाने नहीं देगी। इसलिए मैं जल्दी स्कूल जा रही हूँ, तुम्हें भी जल्दी स्कूल चलना चाहिए। अरे मैं तो भूल ही गई। वैसे आयशा तुझे तो पता ही है मुझे पढ़ाई लिखाई में तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता। अगर मैम मुझे क्लास से निकाल भी देगी फिर तो मेरे ही मजे होंगे। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम पढ़ाई करो और आगे बढ़ो। आखिर तुम चाहे जैसी भी हो, लेकिन मेरी माँ तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानती है ना? ठीक है कुसुम, अब मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। अरे आयशा अब कोई फायदा नहीं, तुम कितना भी तेज चलोगी तब भी लेट हो ही जाओगी। मुझे एक शॉर्टकट रास्ता पता है, तुम वहाँ से जल्दी से परियों के स्कूल में पहुँच जाओगी। इस तरह से कुसुम आयशा को गलत रास्ता बता देती है और बेचारी आयशा कुसुम की बातों में आकर गलत रास्ते पर फंस जाती है, जिस वजह से वह परियों के क्लास में पूरे एक घंटे देरी से पहुंचती है। तभी गायत्री मैम आयशा को इतना लेट आता देख गुस्से से बोलती है, आयशा परी यह क्या, तुम आज पूरे एक घंटे लेट आई हो? और तुम अच्छे से जानती हो मेरे क्लास में कोई 5 मिनट भी लेट आता है उसे पूरे एक हफ्ते तक क्लास के अंदर आने नहीं दिया जाता है। बातें अच्छी बना लेने से इंसान इंटेलिजेंट नहीं हो जाता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तुमने हमारी बातों का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हें भी अब एक हफ्ते तक परियों के क्लास के अंदर आने की अनुमति नहीं है। अब जाओ, जाओ यहाँ से। मैम प्लीज ऐसा मत करिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आज के बाद कभी लेट नहीं आऊंगी। प्लीज मैम मुझे क्लास से मत निकालिए, वरना मैं परीक्षा कैसे पास करूंगी। वो सब तुम्हें लेट आने से पहले सोचना चाहिए था। अब मेरा टाइम मत खराब करो और जाओ यहाँ से, मुझे बाकी बच्चों को जादू सिखानी है। आयशा परी उदास होकर क्लास से बाहर आ जाती है। यह सब देखकर कुसुम परी बहुत ही ज्यादा खुश होती है, लेकिन आयशा परी हार नहीं मानती। उसे पढ़ने और नई नई चीजें सीखने में काफी रुचि थी। वह क्लास के बाहर खिड़की से चुपके चुपके मैम की सारी बातें अच्छे से सुनती और घर आकर उसका अभ्यास भी करती है। ऐसे ही एक सप्ताह बीत जाता है और आज परियों के स्कूल में रानी परी आती है। सभी परियां एक साथ इकट्ठा हो जाती है। मुझे यकीन है कि आप सभी परियां अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रही होंगी। आज मैं आप लोगों की परीक्षा लूंगी। जो भी परियां मेरी परीक्षा में पास हो जाएंगी उसे आगे का जादू सीखने के लिए दूसरे कक्षा में भेज दिया जाएगा। आप सभी परियां तैयार हैं ना? जी हाँ रानी परी, हम सभी परियां तैयार हैं। आप हमारी परीक्षा ले सकती हैं। ठीक है, आज की परीक्षा की शुरुआत हम आयशा परी से करते हैं। माफ करिएगा रानी परी, लेकिन आयशा परी पढ़ाई में काफी कमजोर है, इसलिए आप किसी दूसरे परी से शुरुआत कर लीजिए।
टीचर की बात सुनकर सभी परियां हंसने लगती है। रागनी परी, जरा मुंह तो देखो इस नौकरानी की बच्ची का, बहुत ज्यादा बन रही थी ना। आज इसे पता चलेगा आखिर किससे पंगा लेने की गलती की थी। हाँ सही कह रही हो कुसुम परी, अब तो टीचर ने भी मान लिया है ये हमारे क्लास की सबसे कमजोर स्टूडेंट है। तभी ऐसा परी बोलती है, नहीं गायत्री मैम, रानी परी को आप मेरी परीक्षा ले लेने दीजिए, अगर मैं फेल हो जाती हूँ तो मैं दोबारा परियों के स्कूल में कभी नहीं आऊँगी और यह परी लोग भी छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊँगी। रानी परी अब आप मेरी परीक्षा ले सकती हैं। आयशा परी रानी परी के साथ परीक्षा देने के लिए चली जाती है। रानी परी आयशा परी से अलग अलग जादू करके दिखाने के लिए कहती है। पहले तो वो एक पेड़ को जड़ से उखाड़ देती है। आयशा परी अब तुम इस पेड़ को फिर से जमीन में लगाकर दिखाओ। पेड़ लगाने वाला जादू बहुत ही ज्यादा कठिन था, लेकिन आयशा परी रानी परी के सारे परीक्षा में पास हो जाती है और उस पेड़ को भी वापस से अपने जगह पर लगा देती है। यह देखकर गायत्री मैम और बाकी की सभी परियां चौंक जाती है। बहुत खूब आयशा बेटी, बहुत अच्छे, ऐसे ही आगे बढ़ो। गायत्री मैम आप तो बोल रही थी कि यह सबसे कमजोर परी है, लेकिन आयशा परी ने तो हर जादू को बखूबी किया है। आयशा मैम मुझे लगता है आयशा परी को छोटे मोटे जादू नहीं बल्कि बड़े बड़े जादू सिखाने चाहिए। मुझे लगता है आयशा परी ही आगे चलकर हमारे परीलोक की सबसे शक्तिशाली परी बन सकती है और हमारे इस परीलोक को भी संभाल सकती है। जैसी आज्ञा रानी परी। यह सुनकर आयशा परी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन वही कुसुम परी यह सब देखकर और भी ज्यादा जलभुन जाती है। ये नौकरानी की बच्ची पता नहीं कौन सा मंत्र पढ़कर सब कुछ एक मिनट में अपनी तरफ कर लेती है। मैंने इसे रोकने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी ये महारानी यहाँ सबकी चहेती बन गई है। अब मुझे कुछ बड़ा सोचना होगा ताकि मेरी माँ और गायत्री मैम इसे खुद अपने हाथों से धक्के मारकर इस परियों के स्कूल से बाहर निकाल दे। कुसुम परी तो बस मौके की तलाश में लग जाती है कि बस एक मौका मिले जिससे आयशा परी को पूरे परीलोक से ही निष्कासित कर दिया जाए, लेकिन उसे कोई मौका नहीं मिलता। एक दिन गायत्री मैम आयशा परी से कहती है, आयशा परी तुम इस परीलोक की सबसे इंटेलिजेंट और शक्तिशाली परी हो, इसलिए मैं तुम्हें एक जिम्मेदारी सौंप रही हूँ। आज रानी परी के साथ हमारे परियों के स्कूल में पड़ोसी देश की और भी रानियाँ आ रही है, लेकिन हमारे जंगल के जो दो जंगली शेर हैं, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। वे किसी भी समय पागल हो सकते हैं। बस तुम्हें उन्हें किसी तरह से रोक के रखना होगा। ध्यान रहे यह शेर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और यह रानी परी के जादू से भी काबू में नहीं आ सकता। आज की तुम्हारी यही जिम्मेदारी है, अपना ध्यान रखना, ठीक है? आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए मैम, मैं उस पागल शेर पर कड़ी निगरानी रखूंगी। गायत्री मैम और आयशा परी की यह बातें कुसुम परी सुन लेती है। उसे तो सिर्फ मौके की ही तलाश थी और वो मौका उसे मिल जाता है। वो अपने खुराफाती दिमाग में पहले ही सोच लेती है कि उसे क्या करना है। इधर कुछ समय के बाद रानी परी के साथ पड़ोस के राज्य की कुछ रानियां भी परियों के स्कूल में आती है। वही दूसरी तरफ आयशा परी उस पागल शेर की देखरेख कर रही थी। तभी कुसुम परी चुपके से वहाँ आती है और शेर का पिंजरा खोल देती है और वहाँ से भाग जाती है। अब आएगा असली मजा जब यह पागल शेर सबके ऊपर हमला करेगा और किसी के रोकने से भी काबू में नहीं आएगा। उसके बाद तो आयशा परी इस स्कूल से तो क्या इस परीलोक में भी रहने के काबिल नहीं बचेगी। इधर कुसुम परी बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। वही वो पागल शेर पिंजरे से निकलकर स्कूल के अंदर चला जाता है। शेर के जाते ही पूरे स्कूल में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। गायत्री मैम किसी तरह से सभी परियों और स्टूडेंट को बचाकर स्कूल से बाहर लेकर आ जाती है और वो पड़ोस के रानियों को भी बचाकर बाहर ले आती है, लेकिन शेरों के बीच में रानी परी फंस जाती है। वो अपने जादुई छड़ी का इस्तेमाल करती है, लेकिन जादुई शक्तियों का उन शेरों पर कोई असर नहीं होता है।
तभी एक शेर रानी परी के ऊपर हमला कर देता है और रानी परी जख्मी होकर जमीन पर गिर जाती है। इधर गायत्री मैम आयशा परी को थप्पड़ लगाते हुए कहती है, आयशा परी मैंने तुम्हें अच्छी तरह से समझा दिया था कि शेर बहुत खतरनाक है, वह किसी भी हाल में पिंजरे से बाहर नहीं आने चाहिए। फिर तुम्हारी निगरानी होते हुए भी शेर पिंजरे से बाहर कैसे आया? तुम्हारी वजह से रानी परी की जान पर बनाई है। अगर रानी परी को कुछ हो गया फिर तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैम मेरा यकीन करिए, अब तक तो शेर पिंजरे में बहुत ही शांत बैठा था। मैं जैसे ही पानी पीने गई और जब वापस आई तो पिंजरा खुला था। मैम मेरा यकीन करिए, मैंने पिंजरा नहीं खोला। प्लीज मैम, लेकिन आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, रानी परी को कुछ नहीं होगा। मैं बचा कर लाऊंगी रानी परी को उन शेरों से, मुझ पर विश्वास करिए मैम। इतना बोलकर आयशा परी बिना अपनी जान की परवाह किए रानी परी को बचाने के लिए उन शेरों के बीच चली जाती है। तभी दूसरा शेर आयशा परी पर भी हमला कर उसे जख्मी कर देता है। शेर फिर से दहाड़ते हुए उन्हें मारने आता है कि तभी आयशा परी को अपनी माँ की एक लोरी याद आती है और वो आंखें बंद करके उसे ही गाने लगती है। आयशा परी का गाना सुनकर वह दोनों शेर शांत हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। यह देखकर पड़ोस की राज की सभी रानियाँ और गायत्री मैम हैरान रह जाती है। पड़ोस की राज की रानियाँ अपनी जादुई छड़ी से रानी परी और आयशा परी दोनों को ठीक कर देती है। तभी रानी परी कहती है, सच में आयशा परी तुम तो हमारी सोच से भी ज्यादा अच्छी और बहादुर हो। तुमने बिना अपनी जान की परवाह किए हमें बचाया, यही सच्ची परी का परिचय है। और हमें पक्का यकीन है कि वह पिंजरा तुमने नहीं खोला होगा, वह जरूर ही कोई धूर्त परी होगी जिसने ये काम किया है। क्या आपको पता है ये काम किसने किया है? हम उसे कड़ी से कड़ी सजा देंगे। नहीं नहीं रानी परी, गलती मेरी ही थी, कृपया आप मुझे क्षमा कर दीजिए। प्लीज रानी परी, आगे से मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी। ठीक है, अब हम सब चलते हैं और अब तुम भी चलो, अब वक्त आ गया है हम इस परीलोक की सारी जिम्मेदारी और कार्यभार तुम्हें सौंप दे। इतना बोलकर सभी परियां वहां से चली जाती है। तभी कुसुम परी वहां आती है। आयशा परी हमें माफ कर दो, तुम वाकई बहुत अच्छी हो। आज मेरी एक गलती की वजह से जाने कितने लोगों की जान चली जाती, मैं अब कभी तुमसे नहीं जलूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखे, बाय बाय दोस्तों। ठंड में गरीब बहू की जादुई बर्फ की साड़ी, ये कहानी है शिमला में रहने वाली सुमन की। सुमन शिमला के ही एक छोटे से गांव में अपने पति सुरेश के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहा करती थी और अपना घर चलाने के लिए वो जमींदार के घर पर खाना बनाने का काम किया करती थी और उसका पति भी गांव में रहकर मजदूरी किया करता था। और ऐसे ही वो लोग जैसे तैसे करके अपनी गरीबी में गुजारा कर रहे थे। दोनों ही पति पत्नी सुबह होते ही अपने अपने काम पर निकल जाया करते थे। लेकिन जिस जमींदार के घर पर सुमन काम किया करती थी, उस जमींदार की नियत सुमन के प्रति कुछ ठीक नहीं थी। वो हमेशा सुमन को काम करते समय घूरता रहता था और उसे ज्यादा से ज्यादा काम देकर उसे अपने घर पर ही रोकने की कोशिश किया करता था। ऐसे ही आज भी, साहब मैंने सारा काम कर लिया है और आपने जो अलग से काम बताया था वो भी मैंने कर लिया है, तो अब मैं चलती हूँ। सुमन की ये बातें सुनकर जमींदार अपने मन ही मन सोच रहा होता है, अरे वाह, बला की खूबसूरत होने के साथ साथ ये सुमन तो काम में भी कितनी तेज है, अरे इसे तो मेरी पत्नी होना चाहिए था, कहाँ उस गरीब सुरेश के चक्कर में फंस गई है।
लेकिन इसे अपना बनाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। सुमन इतना कहकर वहाँ से वापस अपने घर आ जाती है और सुमन जब भी अपना काम खत्म करके घर वापस आती थी तो वो सबसे पहले अपनी पालतू चिड़िया नैनी को कुछ खाने के लिए देती थी। नैनी सुमन को कुछ साल पहले एक पेड़ के नीचे जख्मी हालत में पड़ी हुई मिली थी और उसी दिन सुमन नैनी को अपने साथ अपने घर ले आती है और उसकी खूब सेवा करती है और उस दिन से नैनी सुमन के साथ ही उसके घर पर रहने लगती है और सुमन ने उसके लिए लकड़ियों का एक सुंदर सा पिंजरा भी बना दिया था जिसमें नैनी बड़ी ही आराम से रहा करती थी। और नैनी की खास बात ये थी कि वो भी इंसानों की तरह बात कर सकती थी, इसलिए सुमन को उससे बातें करने में बहुत अच्छा लगता था। ये लो नैनी, अपना खाना खा लो। माफ़ करना, आज मुझे घर आने में थोड़ी देर हो गई। वो क्या है ना, साहब ने मुझे कुछ दूसरा काम बता दिया था, बस इसी वजह से मुझे घर आने में देर हो गई, इसलिए अब तुम जल्दी से अपना खाना खा लो। सुमन, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। सच में नैनी, तुम बहुत प्यारी हो और तुमसे बातें करके तो मैं अपनी सारी तकलीफों को भूल जाती हूँ। और ऐसे ही सुमन के दिन बीत रहे होते हैं। तभी सर्दियों का मौसम आ जाता है और शिमला में तो सर्दियों के समय काफी बर्फबारी होती है, जिस वजह से सुमन अपने पति से कहती है, सुनिए, सर्दियों का मौसम आने वाला है तो हमें उससे पहले अपनी झोपड़ी की थोड़ी मरम्मत करवा लेनी चाहिए, वरना इस झोपड़ी के अंदर तो सर्दियां बिताना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और ऊपर से यहाँ पर इतनी बर्फ भी तो पड़ती है, कहीं उस बर्फ की वजह से हमारी झोपड़ी की छत ना गिर जाए। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ सुमन, लेकिन घर की मरम्मत करने के लिए हमारे पास पैसे कहाँ हैं? जितने भी पैसे हम कमाते हैं वो सारे तो घर के खर्चे में ही निकल जाते हैं, तो ऐसे में हम घर की मरम्मत कैसे करवाएंगे? आप उसकी चिंता मत करिए, मैं कल साहब से बात करके देखती हूँ, शायद वो हमें कुछ पैसे दे दे, फिर हम उन पैसों से अपने घर की मरम्मत करवा लेंगे और धीरे धीरे करके साहब के पैसे भी लौटा देंगे। ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। इतना कहकर सुमन अगले दिन ही जमींदार से इस बारे में बात करती है और उनसे कुछ पैसे उधार मांगती है और सुमन की ये बात सुनकर जमींदार मन ही मन बहुत खुश हो रहा होता है, क्योंकि जिस मौके का वो कब से इंतजार कर रहा था आज उसे वो मौका मिलने वाला था, इसलिए वो कहता है, बताओ सुमन, तुम्हें कितने पैसे उधार चाहिए? ज्यादा नहीं साहब, यही कुछ 50,000 रुपए चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें 50,000 रुपए दे दूंगा, लेकिन मेरी एक बात का ध्यान रखना, मुझे मेरे पैसे सूद समेत वापस चाहिए, वरना मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हें पता है ना? ठीक है साहब। इतना कहकर सुमन जैसे ही वो पैसे लेकर अपने घर जा रही होती है, उसी समय जमींदार अपने किसी आदमी को भेजकर सुमन के हाथों से वो पैसे छीन कर लाने के लिए कह देता है। और ऐसा ही होता भी है। सुमन जब घर जा रही होती है तभी जमींदार का वो आदमी आकर सुमन के हाथों से वो पैसे छीन कर भाग जाता है। सुमन काफी देर तक उसका पीछा करती है लेकिन वो उसको नहीं पकड़ पाती, इसलिए वो रोते हुए कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया, इतनी मुश्किल से तो मुझे ये कुछ पैसे मिले थे, अब मैं क्या करूँगी और जमींदार साहब को उनके पैसे कहाँ से ला कर दूंगी, मैं तो उन पैसों का कोई इस्तेमाल भी नहीं कर पाई, मुझे साहब को इस बारे में बताना होगा, शायद वो मेरी परेशानी को समझे और मुझे फिर से कुछ पैसे उधार दे दे। इतना कहकर सुमन रोती हुई जमींदार के पास जाती है और उसे सारी बातें बताती है। साहब, अनर्थ हो गया, जो पैसे आपने मुझे दिए थे वो पैसे मुझसे कोई चोर छीन कर ले गया, कृपया करके मुझ पर एक बार फिर उपकार कर दीजिए, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मैं आपके सारे पैसे सूद समेत चुका दूंगी। अरे अरे सुमन, इस तरह रोते नहीं, इधर बैठो, तुम्हारे इस फूल से चेहरे पर ये आंसू शोभा नहीं देते। साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? अरे सुमन, तुम अभी तक मेरी बातों को समझ नहीं पाई, चलो कोई नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे ही तरीके से समझाता हूँ, तुम्हें मुझसे दोबारा से पैसे चाहिए ना, तो ठीक है, मैं तुम्हें पहले से भी ज्यादा पैसे दूंगा और तुम्हारे पहले के पैसे भी माफ कर दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त साहब, मैं कुछ समझी नहीं।
मैं समझाता हूँ तुम्हें, तुम्हें अपने उस गरीब पति सुरेश को छोड़कर मेरे पास आना होगा और मुझसे शादी करनी होगी। तुझे तो पता ही है ना, मेरी पत्नी मुझे कुछ साल पहले ही छोड़कर जा चुकी है, तो उसकी जगह किसी को तो मेरे पास होना चाहिए ना। जी आप क्या कह रही हो साहब, आप मेरी गरीबी का फायदा उठाना चाहते हो? एक शादीशुदा औरत से इस तरह की बातें करती हो, आपको शर्म नहीं आती? अरे मैं तो आपको एक अच्छा और भला इंसान समझती थी, लेकिन आप तो एक नंबर के घटिया मक्कार इंसान हैं। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे मक्कार कह रही है? अरे तेरी जैसी दो कोड़ी की औरत को तो मैं अपने घर में खड़ा भी ना होने दूं। चल निकल यहां से, और आज के बाद दोबारा काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। जमींदार की बात सुनकर सुमन रोते हुए अपने घर वापस आ जाती है, और उसे इस तरह से परेशान और उदास देखकर नैनी उससे पूछती है, क्या हुआ सुमन, आज तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो, कुछ हुआ है क्या? नैनी की बात सुन सुमन रोते हुए उसको सारी बातें बताती है। तभी नैनी कहती है, कोई बात नहीं सुमन, तुम चिंता मत करो, तुम्हें कोई और काम भी तो आता होगा ना, जिसे तुम बहुत अच्छे से कर सकती हो। हाँ मुझे सिलाई का काम आता तो है, पहले मैं अपने घर पर वही किया करती थी, लेकिन जब से मेरी सिलाई मशीन खराब हुई है तब से मैंने कभी वो काम किया ही नहीं, और ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं अपनी मशीन को सही करवा पाऊँ। बस इतनी सी बात, तो मुझे अभी अपनी मशीन निकाल कर दिखाओ, मैं तुम्हारी सिलाई मशीन को बिल्कुल ठीक कर दूंगी। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, तुमने मेरी बहुत मदद की है और मेरा कितने अच्छे से ख्याल भी रखा है, तो आज मदद करने की बारी मेरी है, तो दिखाओ अपनी सिलाई मशीन कहाँ है। इतना सुनकर सुमन अपनी पेटी में से अपनी पुरानी सी सिलाई मशीन बाहर निकालती है। उसी समय नैनी उस सिलाई मशीन के ऊपर जाकर बैठ जाती है और उसके ऊपर अपनी चोंच से 3 बार मारती है, और उसके ऐसा करते ही सुमन की सिलाई मशीन एकदम से चमक उठती है और एकदम नई सिलाई मशीन के जैसे दिखने लगती है। जी लो सुमन, आज से तुम्हारी सिलाई मशीन एक जादुई सिलाई मशीन की तरह काम करेगी, तुम इसे अब कुछ भी सिल सकती हो, फिर चाहे वो बर्फ ही क्यों ना हो। क्या बर्फ? हाँ बिल्कुल, तुम इसे एक बार इस्तेमाल करके देखो। नैनी की बात सुनकर सुमन फटाफट से बाहर से बहुत सारे बर्फ इकट्ठा करके ले आती है और उसे बर्फ की साड़ी सिलना शुरू कर देती है, और कुछ ही देर में वो बर्फ की साड़ी बनकर तैयार हो जाती है, जिसे देखकर सुमन भी हैरान हो जाती है, क्योंकि वो साड़ी दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर और हीरे के समान चमक रही होती है। सुमन तुम एक बार इस साड़ी को पहनकर देखो, तुम्हें इसका असली जादू अब पता चलेगा। नैनी की बात सुनकर सुमन जैसे ही वो साड़ी पहनती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो बर्फ की साड़ी पहनकर भी सुमन को बहुत गर्माहट सा महसूस होता है और उसे बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया नैनी, तुमने तो आज कमाल ही कर दिया, अब मैं इसी तरह बर्फ की साड़ियों को बनाकर बाजार में बेच सकती हूँ। इस तरह सुमन बर्फ की साड़ियों को बनाकर उन्हें दुकानों पर बेचना शुरू कर देती है, और उसके बर्फ की अनोखी साड़ियों को देखकर हर कोई उससे ये साड़ियाँ खरीद लिया करता था, और इसके बदले उसे अच्छे खासे पैसे भी दिया करता था, और ऐसी ही सुमन की अच्छी खासी कमाई होने लगती है, और वो बहुत जल्द अपनी टूटी फूटी झोपड़ी को एक पक्के मकान में बदल देती है और फिर अपने पति के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है।